प्रेरणा लेते हुए जो एक किसान के बेटा होने के नाते अपना पूरा का पूरा पैसा उन्होंने सरकार को डाल दिया, 51 लाख रुपए, और अपने पास कोई पैसा नहीं रखा। इस तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, इनसे हम इनसे प्रतिज्ञा लेते हुए, इनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं इनसे कई चीज़ें सीखता हूं, और मैं मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने इस पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र का सेवा की, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं। और उनका जीवन शैली जो रही उसमें साधारणता, उनके जो काम करने का तरीका और बहुत ही जुझारू तरीके से सभी से मिलने का जो उनका तरीका रहा है, उससे मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस रास्ते पे चलते हुए अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित हूं। आज मैं आपके सामने उस दिन को याद करता हूं जिस दिन इस प्रदेश के ऊपर त्रासदी आई, इस देश के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर जब त्रासदी आई तो हमारे जो अभी सांसद जी हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। जब हमारे सेबों, जब हमारे सेब के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी लगी तो हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पर हमारे सांसद जी सिर्फ चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जब हमारा बन रहा था उसमें जो DPR बनाई गई उसमें उनकी तरफ से जो संशोधन होना चाहिए था उस संशोधन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से 5 लोगों की जान गई। जब उसमें हमने प्रश्न विधानसभा में उठाया तो उसमें हमें ये बताया गया कि DPR नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ जब इसके ऊपर पूरा मंथन किया जाए और आज का जो ये दिन है इसमें ये निर्णय करना होगा कि आपका उम्मीदवार किस तरह का हो, वो आपकी आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता है। जब आपने ये देखा कि इस तरह की त्रासदी हुई उसमें उनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई, जो प्रश्नकाल होता है उसमें प्रश्न उठा सकते थे, स्टार क्वेश्चन में लिखित तरीके से बोल सकते थे, स्पीकर साहब के सामने अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रख सकते थे, या अनेकों तरीके थे जिसके द्वारा हमारे सांसद जी हमारे लोगों की आवाज़ उठा सकते थे। पर मुझे दुखद होकर यह सूचित करना पड़ रहा है कि मात्र 2 बार वो प्रश्न उठाने के लिए 5 वर्षों में उठे। जो सांसद 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके लिए आपकी आवाज़ बनकर संसद में गूंजे, पर मुझे दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि 5 साल तक मोनी बाबा की तरह बैठे रहे, कोई बात ही नहीं की। और आज हमारे सभी कार्यकर्तागण यहाँ आए हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके लिए, आपके द्वारा जो भी काम लाए जाएंगे आपकी बात का मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी पार्टी की होगी, हमारी सरकार की होगी, और जो भी गठबंधन में साथी हैं उनकी बात की भी बात रखने का हम आपके बीच में आकर आपको मैं आश्वासन देने आया हूं। भाई जी अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए।